बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ पाए रेस्टोरेंट स्टाइल से। रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बीफ पाए हमने लिए हैं 2 अदद, जिसका वज़न है 3 किलो। पाए की स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 10 मिनट के लिए उबाल लिया, इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी आप लोगों को बता दी है। मसाले इन सबको मिक्स करके हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। सब मसालों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम एक बाउल में डाल लेंगे। आधे मसाले हम नमक मिर्च मसाले में ऐड कर लेंगे और आधे कर लेंगे दही में। पाई को हम डालेंगे कुकर में, इससे आपके पाए अच्छे बन जाएंगे। डाल दिए हैं, अब डाल देंगे प्याज, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च मसाले। और इसमें हम 2 से 3 लीटर पानी डाल देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। कुकर में डाल के हमने बनने के लिए रख दिया है 40 से 45 मिनट, अब हम वेट करेंगे। आइए फिर वेट करते हैं। वहीं पाए बनते हुए 40 से 45 मिनट गुजर गए हैं, अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे, फोक की मदद से चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाए हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 पाव के करीब ऑयल, गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दही और मसाले। दही डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे पाए। क्या डाल देंगे, पाई को मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए बनने देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और इसको डिश आउट कर देंगे। पाई बनकर रेडी हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।